आज का प्रीसेट है मोडी सिनेमैटिक प्रीसेट। सबसे पहले कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद जाना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर। प्रोफाइल में आने के बाद हम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे विंटेज वाले ऑप्शन पर। विंटेज वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहां विंटेज 7 कर लेना है और 7 करने के बाद यहां राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना है लाइट पर। लाइट में एक्सपोजर करना है -0.60। कॉन्ट्रेस्ट करना है -28। हाईलाइट करना है -46। शेडो करना है +26। व्हाइट करना है +30। ब्लैक करना है +22। फिर जाना है ऊपर कर्व पर। कर्व में व्हाइट कलर में कुछ इस तरह से सेटिंग करेंगे। फिर डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद जाना है कलर पर। कलर में टेम्परेचर करना है +50। टिंट 0 रहेगा। वाइब्रेंस करना है -74। सैटुरेशन 0 रहेगा। फिर जाना है ऊपर मिक्स वाले ऑप्शन पर। मिक्स में रेड कलर में ह्यू करना है +70। सैटुरेशन करना है +48। ल्यूमिनेंस करना है +40। फिर जाना है ऑरेंज पर। ऑरेंज में ह्यू करना है -26। सैटुरेशन करना है -16। ल्यूमिनेंस करना है +8। फिर जाना है येलो पर। येलो में ह्यू करना है -100। सैटुरेशन करना है -90। ल्यूमिनेंस करना है +44। फिर जाना है ग्रीन पर। ग्रीन में ह्यू करना है -100।
सैटुरेशन करना है -90। लुमिनेंस 0 रहेगा। फिर जाना है एक्वा पर, एक्वा में ह्यू करना है -100। सैटुरेशन करना है -90। लुमिनेंस 0 रहेगा। फिर जाना है ब्लू पर, ब्लू में ह्यू करना है +32। सैटुरेशन करना है -90। लुमिनेंस करना है -40। फिर जाना है पर्पल पर, पर्पल में ह्यू 0 रहेगा। सैटुरेशन करना है -100। लुमिनेंस 0 रहेगा। फिर जाना है पिंक पर, पिंक में ह्यू और लुमिनेंस 0 रहेगा। सैटुरेशन करना है -100। फिर ऊपर डन पर क्लिक करेंगे। फिर जाना है स्प्लिट टोन पर, स्प्लिट टोन में शेडो में आएंगे। शेडो में ह्यू करना है 20। फिर नीचे लुमिनेंस करना है -8 और ब्लेंडिंग करना है +60। फिर जाना है स्प्लिट टोन पर, स्प्लिट टोन में ह्यू करना है 30। सैटुरेशन करना है 4। लुमिनेंस करना है +14। फिर जाना है हाईलाइट पर, हाईलाइट में ह्यू करना है 212। सैटुरेशन करना है 58। लुमिनेंस करना है 56। फिर ऊपर डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद जाना है इफेक्ट पर, टेक्सचर करना है -8। डेहेज करना है +32। वेनिटी करना है -24। मिड पॉइंट करना है +33। फिदर करना है 83।
राउंडनेस करना है प्लस 42। फिर जाना है डिटेल्स पर, डिटेल्स में शार्पिंग करना है 4, नॉइस रिडक्शन करना है प्लस 13, और कलर नॉइस रिडक्शन करना है 14। फिर जाना है नीचे ऑप्टिक पर और यहां से रिमूव क्रोमेटिक को ऑन कर लेना है। इस तरह से प्रीसेट कंप्लीट होता है। अब इसके पहले और बाद की इमेज देखेंगे, ये पहले की इमेज और ये बाद की। इसके बाद ऊपर 3 डॉट पर जाएंगे, फिर यहां से करेंगे कॉपी सेटिंग, राइट क्लिक करना है, फिर दूसरे इमेज पर जाएंगे, फिर से 3 डॉट पर जाना है और यहां से करना है पेस्ट सेटिंग। पहले की इमेज और ये बाद की। इसी के साथ एक और इमेज में अप्लाई करते हैं। ऊपर 3 डॉट में जाना है, यहाँ से करना है पेस्ट सेटिंग। ये देखिए पहले की इमेज और ये बाद की। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना।